महाराष्ट्र नागपुर और नागपुर के नज़दीक 150 किलोमीटर में यवतमाल है, वहाँ से हम 8 लोग आए हुए हैं। हम भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की मैं प्रदेश सदस्य हूँ और हम यहाँ जो अधिवेशन हो रहा है भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का, यहाँ भाग लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इस जम्मू के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, ओबीसी को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ बहुत दूर से यहाँ तक आए हुए हैं। ओबीसी को जागरूक होना बहुत जरूरी है, उनको अंधश्रद्धा मुक्त होना बहुत जरूरी है। ओबीसी को शिक्षा के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, जनगणना होने के प्रति जागरूक होने के लिए ये अधिवेशन है। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन दिल्ली जगह जगह जाकर अपना प्रचार करती है और ओबीसी को जागरूक करती है। ये भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का 4वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के ओबीसी, झारखंड के ओबीसी और एससी एसटी को सभी महिलाओं ने और सभी पुरुष मंडल ने सम्मिलित होने की बहुत ज़रूरत है। आज देश में जो कुछ चल रहा है वो ओबीसी के हित में नहीं है, ओबीसी के विरोधी है। तो ओबीसी को अपने हित के लिए, अपनी जागृति के लिए, अपने आने वाले बच्चों की पीढ़ी के सुरक्षित करने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी झारखंड वासियों को निवेदन करती हूँ कि आप भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन में समाविष्ट हो जाइए। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन पदाधिकारी का हाथ बलकत कीजिए, मजबूत कर दीजिए और अपने ओबीसी पर जो अन्याय हो रहा है, शिक्षा के प्रति अन्याय हो रहा है, ओबीसी के बच्चों को शिष्यवृत्ति सो स्कॉलरशिप बोलते हैं वो नहीं मिल रही है, हॉस्टल नहीं मिल रहे हैं, सर्विस नहीं मिल रही है, बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये अपने ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो समाप्त होने के लिए ओबीसी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी झारखंड वासियों को निवेदन करती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ कि आप जागरूक हो जाइए, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन मजबूत कीजिए और अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आप सामने आ जाए। झारखंड भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के माध्यम से आप लोग पिछड़ों को जागरूक कर रहे हैं। आज ये जो यहाँ जमुआ में ये भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य है भारत के 85% एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को एक मंच पर ला करके उस सत्ता को यहाँ से बाहर भगाना जो सत्ता इनके अधिकारों को छीन रही है। बाबा साहब के बनाए गए संविधान को रोज का रोज एक एक पाना फाड़ते जा रही है, तो उस सरकार को भगाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होकर के हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी बाबा साहब का जो संविधान बनाया है उनका जो अवहेलना कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग ने ये भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का गठन किए हैं। न केवल अवहेलना कर रहा है, उसका एक एक पन्ना रोज रोज फाड़ रहा है, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा हम जिंदा रहेंगे। आज हर रोज एक चाकू लगा रहा है और हम लोग जिंदगी की बहुत और इसलिए समाज को जागृत करने के लिए हम भी खटकता है। उनके साथ जो हुआ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं विभीषण का क्या अपराध था कि आज भी कोई अपने बेटे का नाम लेने का कि सोचता भी नहीं है। लेने की बात तो छोड़िए, लेने की बात सोचता भी नहीं है। क्यों? इसको समझना होगा, क्योंकि विभीषण ने अपने भाई के साथ घात किया था। भाई के साथ घात करने वाला कोई भी व्यक्ति को हार नहीं पहनाया जाता, माला नहीं पहनाया जाता। और आप और हम आज क्या कर रहे हैं? हम बुद्ध को मानते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम जगदेव कुशवाहा को मानते हैं, हम लालू यादव को मानते हैं,
और किसकी गर्दन में हार माला पहनाने का काम करते हैं, यह आप अपने स्वयं से आपको सोचना होगा। कल की तरह आप आज आप निरक्षर नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं। हमारे पूर्वजों के संघर्ष की वजह से आज आप न केवल मैट्रिक है वो प्रधानमंत्री की तरह, बल्कि आप आईए हैं, बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, सब कुछ तो आपको मिला हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि बुद्ध को, बुद्ध की विचारधारा को भारत की धरती से भगा देने वालों के पीछे आप लगे हुए हैं? क्या वजह है कि बाबा साहब जिन्होंने आपको संविधान दिया जो भारत के सभी ग्रंथों से कीमती संविधान है, महत्वपूर्ण संविधान है और पवित्र संविधान है, क्योंकि उसी की वजह से आप शिक्षक से लेकर चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनते हैं, केवल उसी संविधान की वजह से। बताइए, उससे भी कोई आपका बड़ा ग्रंथ है? ठीक ही एक साथी ने कहा, हमारे लिए न कोई रामायण है, न कोई गीता है, न कोई। चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है कि आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को कराने का इन लोगों ने था और ये प्रोग्राम लिया और